राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको जाल वाला डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। आप इसको जेंट स्वेटर में डाल लेना, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कैप में, कहीं भी डाल लेना, सारी जगह अच्छा लगेगा। ये बच्चे के कार्डिगन में डालो तो वहाँ भी अच्छा लगेगा। पहले हम 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। ये पहली सिलाई है, सीधी सिलाई है, फिर 3 फंदे स्लिप कर लेंगे। अब एक डिजाइन ये 6 फंदे का हो गया। यही 6 फंदे हमें आगे बनाएंगे पूरी सिलाई में। बिल्कुल आसान डिजाइन है, कोई ये नहीं है कि भाई समझ में नहीं आने का, समझ भी जल्दी आ गया और जो बहन पहली बार भी बनाएगी वो भी बना लेगी। इसको उल्टा सीधा बनाना है जिसको। अब 3 फंदे स्लिप कर दिए। अब ये 2 डिजाइन हो गए यहाँ तक, फिर आगे 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 3 फंदे स्लिप कर दिए, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 3 फंदे स्लिप कर दिए, फिर आगे 3 फंदे उल्टे। अब आ गई दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब दूसरी सिलाई में हमने किस तरह बनाना है, जो फंदे इस तरफ उल्टे थे अब उल्टी सिलाई में इनको हम ऐसे सीधा बना देंगे। इस तरफ सीधा आ गया, फिर अपनी तरफ धागा करके जो 3 फंदे ये स्लिप करे थे सीधी सिलाई में, तो ये धागा हमने इस तरफ कर दिया था। अब उल्टी सिलाई में ये धागा इस तरफ कर देंगे, ये स्लिप कर दिए, उल्टी में भी स्लिप कर दिया इनको। ये धागा देखो अब इस तरफ आ गया, सीधी में इस तरफ आ रहा है जो स्लिप करे थे फंदे, अब इस तरफ कर दिया हमने। अब यही 6 फंदे हमें आगे बढ़ा देंगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, फिर अपनी तरफ धागा करके देखो ये 3 फंदे हम ऐसे स्लिप कर देंगे। अब ये 2 डिजाइन हो गए, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर अपनी तरफ धागा करके 3 फंदे ये स्लिप कर देंगे, फिर 3 फंदे सीधे, अपनी तरफ धागा करके 3 फंदे ऐसे स्लिप कर देंगे, फिर 3 फंदे सीधे। अब ये 2 सिलाई होगी। अब आ गई तीसरी सिलाई, सीधी सिलाई। अब सीधी साइड आ गया हम। अब सीधी साइड हमने किस तरह बनाना है, जो फंदे उल्टे बना रखे हैं उनको हमने सीधा बना दिया 3 फंदों को, और जो हमने 3 फंदे स्लिप करे थे इनको भी सीधा बना दिया। अब ये 6 फंदे हैं एक डिजाइन के, 6 के 6 फंदे हमने सीधे बना दिए। आगे फिर हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा बना लेंगे। 6 फंदे का एक डिजाइन हो गया ये। अब ये तीसरी सिलाई है, सीधी सिलाई है। अगर आप इसको 2 रंग का बनाना चाहो तो 2 का भी बना सकते हो, 2 रंग का डिजाइन भी अच्छा लगेगा। डालूंगी इसकी 2 रंग की वीडियो भी। अब ये 3 सिलाई होगी। अब आ गई चौथी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब चौथी सिलाई में भी हम सारे फंदे उल्टे बना देंगे। सीधा सीधा बनेगा और जल्दी भी बनेगा ये डिजाइन। शोर हो रहा जो उसकी तरफ ध्यान मत देना, मशीन चल रही है कपड़े धोने वाली, है तो दूर थोड़ी ही, फिर भी आवाज आ रही है उसकी थोड़ी ही। अब आ गई 5वीं सिलाई। अब ये 4 सिलाई उतार दी, देखो सीधा ही बनाया सारा। अब आगे 5वीं सिलाई में हमने किस तरह करना है, जो 3 फंदे उल्टे बनाए थे इनको हम सीधा बना देंगे, 1 2 3। अब आगे फिर ये 3 फंदे जो ये धागा छोड़ दिया था स्लिप करे थे पहली सिलाई में, इनमें से पहले फंदे को सीधा बना लेंगे और जो ये बीच वाला फंदा है इसको ऐसे करके यूँ लगा लेंगे इस पर, ये फंदा धागा नीचे से इसके ऊपर चढ़ा दिया,
और धागा और ये फंदा ऐसे दो का एक कर देंगे, फिर ये फंदा भी सीधा। अब ये सारे फंदे सीधे बनेंगे इस सिलाई में। अब ये तीन फंदे उल्टे हैं जो इनको हम एक दो तीन इनको भी सीधा बना दिया, और जो तीन फंदे ये स्लिप करे थे पहले सिलाई में, इनमें से पहले फंदे को ऐसे बना के ये धागा है जो ऐसे सिलाई पे चढ़ा दिया, और धागा और फंदा बीच वाला दो का एक कर दिया, फिर ये आगे वाला फंदा भी सीधा। फिर आगे तीन फंदे उल्टे आगे एक दो तीन। अब ये तीन फंदे जो स्लिप करे थे वो आगे, इनमें से पहला फंदा सीधा बना दिया ऐसे, और ये बीच वाले फंदे पे ऐसे धागा चढ़ा के सिलाई पे दो का एक कर दिया, फिर ये फंदा भी सीधा। आगे तीन फंदे उल्टे थे वो सीधे हो गए, फिर ये तीन फंदे जो स्लिप करे थे उनमें से पहला फंदा सीधा बना के ऐसे ये धागा ऐसे उठा के ये चढ़ा दिया सिलाई पे, फिर दो का एक कर दिया। फिर आगे तीन फंदे ये उल्टे थे जो ये भी सीधे बना दिए। अब आगे छठी सिलाई। अब छठी सिलाई में भी हम सारे फंदे ऐसे उल्टे बना देंगे। अब ये छह सिलाई पूरी कर देंगे इस तरह। आगे फिर हम छह सिलाई और उतारेंगे, इसमें थोड़ी सी जगह बदल देंगे, जो उल्टे फंदे बनाए थे उनको सीधा बना देंगे और सीधे फंदे बनाए थे उनको उल्टा बना देंगे, बस डिजाइन इसी तरह बनाएंगे, सिलाई इसी तरह उतारेंगे छह सिलाई और। अब ये छठी सिलाई उल्टी उतार दी पूरी। अब देखो, अब हम ये छह फंदे, तीन फंदे पहले वाले उल्टे बनाए थे इनको सीधा बना देंगे, ये तीन फंदे सीधे स्लिप करे थे इनको हम उल्टा बना देंगे, ऐसे बनेगा ये डिजाइन।